आपके ये गोपी चंद राजा यहाँ हुए राजस्थान में, और वो आपके राजा एक और हुए थे, वो दोनों गए हुए थे तो वहाँ कुम्हार के यहाँ ठहरे थे। वहाँ के राजा को खबर हो गई कि कोई बहुत सिद्ध महात्मा आए हैं, उनके यहाँ लोग जाते हैं गांव के लोग, तो बड़ा फायदा होता है, उनके दर्शन से ही बहुत लाभ होता है। तो राजा बोला कि चलो हम भी चलते हैं। राजा चला तो उसके साथ आनी समझो कि यात्री मंत्री संतरी सब चल पड़े। प्रजा ने देखा राजा किसी संत का दर्शन करने जा रहे हैं, हम भी चल रहे। बड़ी भीड़ आती दिखाई पड़ी। बोले भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ रुकना, ध्यान भजन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो अब कुछ करना पड़ेगा। दूसरे थे राजा भरथरी, तो राजा भरथरी से कहा, किसने कहा, इन्होंने कान में कुछ कहा, उन्होंने सलाह कर लिया। अब जब आई प्रजा बैठ गई, राजा बैठ गया, तो अब एक ने कहा, कहा भीख मांगने आज मैं जाऊंगा। दूसरे ने कहा तुम कैसे जाओगे, परसों हलवा मिला सारा हलवा खा गए, तुम कैसे जाओगे, हमको नहीं दिया, आज हम जाएंगे भीख मांगने। फिर जो है उसने कहा तो तुम खीर नहीं खा गए थे, खीर मिली थी खीर खा गए थे। अब दोनों में कहा सुनी हुई और गाली गलौज हुआ और सड़सा पटके अंदर। अरे ये लोगों ने कहा खोखले हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो 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 चलो। राजा भी उठ के चल दिया, कहा अरे जब ये हलवा के लिए, ये जब खीर के लिए लड़ रहे हैं तो ये महात्मा थोड़े हो सकते हैं, इनका तो दर्शन करना एक तरह से गुनाह है, चलो चल पड़े। और जब चले गए तो कह रहे मक्खियाँ उड़ गई, अब निश्चिंत होकर के भजन करो। तो जो भजनी होते हैं ये सब कम पसंद करते हैं, मान सम्मान ये जात और ये सब दुनिया की चीज़ें हैं ये कम पसंद करते हैं वो। उनको जिनको भजन का रस मिल जाता है वो इसमें रस है नहीं महसूस करते हैं।